नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ऊंट के लिए मोहरा या मोहरी हम बोल सकते हैं वो हम बनाने सीखेंगे। और यदि आपको गाय भैंस की मोहरी बनानी आती है तो आप इसको काफी आसानी से जो हो सीख जाएंगे, हो सकता है वीडियो कंप्लीट होने से पहले ही आप इसको सीख जाएं। और यदि आप इस मामले में नए हैं, यानी कि आपको गाय भैंस की मोहरी भी बनाने नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को साथ साथ देख के भी बना सकते हैं। वीडियो को प्ले करके जो है स्टॉप करके या दोबारा प्ले करके आप इसको बना सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक ऊंट की जो है मोहरी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें रस्सी की लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपने यदि बड़े ऊंट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो रस्सी की लंबाई आपने लेनी है 6 मीटर। और यदि आप उसके बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, यानी कि छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसकी लंबाई आपने रखनी है 4 मीटर। तो इसमें जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, मैंने 8 मीटर रस्सी ली है जो कि भैंस की मोहरी के लिए है, तो हम इसी से जो है बनाना सीख लेंगे। वैसे ऊंट के लिए इसकी मोटाई जो है कम होती है, और मोटाई ज्यादा होती है तो हमने रस्सी की लंबाई फिर बढ़ानी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको बनाएं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस रस्सी के दोनों सिरे ऐसे मिला लेने हैं और इन दोनों सिरों में से कोई भी एक सिरा आप ऐसे बढ़ा लेना है, लगभग 2 फीट के आसपास जो बड़ा कर लेंगे। तो इनमें से आप कोई भी एक बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मेरी तरफ वाला जो है बड़ा कर लिया। ये बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, बिल्कुल इनको बराबर रखते हुए ऐसे खींचते चले जाएंगे, ऐसे खींचते चले जाएंगे। और जब लास्ट में इतना हिस्सा रह जाता है तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली उंगली है, पहली उंगली है, ये इसके अंदर से डाल लेंगे। और ये जो इसका बीच का सिरा है ये इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे। तो अब हमारे पास 2 रस्सी बन गई है। तो ये रस्सी की लंबाई जैसे हम यहां देख पाएंगे 1 बिलांत है, तो इसका मतलब छोटे बच्चे की ही बनेगी या फिर मीडियम साइज की ही बनेगी। तो इसलिए हम इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा खींच लेंगे, और यदि बढ़ जाता है तो वापस पीछे की तरफ खींच सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो कहने का मतलब हमने बड़े ऊंट के लिए क्या करना है, इसको 1 बिलांत से 4 उंगल बड़ा करना है। तो साइज के बारे में आप एक बार मैटर न रखें, इसको बनाना जब सीख जाएंगे तो फिर आप कितनी भी बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो एक आइडियल के रूप में सीखने के लिए मैंने लगभग 1 बिलांत के आसपास ही इसको रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने ऐसे कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी जो पहली गांठ है वो वैसे ही लगनी है जैसे हम भैंस की मोहरी में लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली रस्सी है इसको हम ऐसे पीछे लास्ट वाली उंगलियों में दबा लेंगे। तो जो पहली रस्सी थी ये हमने अंगूठे के ऊपर से ही होते हुए लास्ट वाली उंगली में दबा ली। अब इसके जो नीचे रस्सी पीछे बड़ी वाली है इसको हम इसके ऊपर से अंगूठे के नीचे दबा लेंगे ऐसे। अब ये जो रस्सी इस साइड की बच गई इसको इसके ऊपर से और इस अंगूठे वाले रस्ते से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे, अब इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। तो यहां आप गांठ देख सकते हैं, ये वही गांठ है जो हम भैंस की मोहरी में लगाते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं तीनों तरफ 2-2 रस्सियां हैं। अंदर की तरफ देखते हैं तो सभी 2-2 रस्सियों पर 1-1 रस्सी है। तो इसका मतलब हमारी गांठ सही है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां देखिए कोई भी इन दोनों में से कोई एक रस्सी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को जैसे ये ले लिया, ये रस्सी हमने ले लेनी है और ये जो पूरी रस्सी है इसके अंदर से निकाल लेनी है पूरी रस्सी। ये निकालने के बाद अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा बराबर कर लेंगे। तो ये रस्सी बड़ी है तो मैं इसको खींच के ऐसे बराबर कर लूंगा। ये जो सिलवट है ये सिलवट हम निकाल लेंगे। तो ये जो है साइज बराबर हो गया। अब यहां देखें नीचे जो गांठ है इसके दाहिने तरफ जो ये रस्सी निकल रही है, तो इस रस्सी को हम इससे दाहिने तरफ ले जाते हुए नीचे की तरफ से और इसके ऊपर से वापिस इस रस्सी के नीचे से निकाल लेते हैं। तो पूरा ही हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी आप इसको देख पाएंगे कि ये क्या है। तो आप इसको खींचेंगे तो देखिए वैसे गांठ तो ये लग गई, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, इसमें देखा था तो 2-2 रस्सी थी, इसमें आप देखेंगे तो 2 जगह 2 रस्सी, एक जगह 1 रस्सी है। तो अब इस एक को हमने डबल करना है। तो इस मोहरा बनाने में केवल यही जो है वो थोड़ा हम अटक सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल आराम से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लें और जो इसमें अंदर वाली रस्सी है ये वापिस बाहर निकाल लें, ये वापिस बाहर निकाल लेंगे इसको बिल्कुल बाहर ऐसे। ये निकालने के बाद क्या करना है, यहां हम अंगूठा रखेंगे या उंगली रखेंगे इसके अंदर। तो क्या करेंगे, इसमें ये जो है इसके ऊपर से इसके अंदर की तरफ से इस रस्सी के अंदर की तरफ से अंदर खींच लेंगे ऐसे। तो मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या इसमें कैलकुलेशन हो पाई है। तो आप यहां देखेंगे ये मैंने वापिस निकाल के नीचे से ऊपर
और इसके अंदर की तरफ निकाल लिए। ये निकालने से क्या हो गया कि ये जो अकेली रस्सी थी अब ये दो बन गई, और वापिस इसको अब इसके ऊपर से जहां से निकाला था उसी की तरफ हम इसको वापिस निकाल देंगे, पूरा रस्सा जो है हमने निकाल दिया। तो आप यहां देख पाएंगे आपकी जो गांठ वो बनकर तैयार हो जाती है। तो आप यहां देखेंगे वो हुई दो दो रस्सी, अंदर की तरफ थोड़ी सी अलग बनावट इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये गांठ सही बन जाती है। तो अभी आप यहां देखेंगे इसमें हो सकता है मैंने ज्यादा टाइट नहीं कर पाया हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो आप इसको आराम से टाइट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये जो है ऊंट के नाक के ऊपर डालने के लिए जो हो तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो गांठ है इनको ऐसे लगा लेंगे और ये जितनी लंबाई का है वहां जाके इसको पकड़ लेंगे, इतनी लंबाई का ये पकड़ लिया। और अब क्या करेंगे, देखो इसकी गांठ उल्टी, जो उल्टी हो अपनी तरफ रखनी है। और अब इसमें ये देख लो कि बड़ी रस्सी कौन हो, अब यहां काम आने वाली है। तो ये वाली जो बड़ी रस्सी आप यहां देख पाएंगे, तो जो बड़ी वाली रस्सी है वो ही आपने इस तरफ निकाल लेनी है। ऐसे कितने निकालनी है, एक बिलाद या एक बिलाद से थोड़ी बड़ी, तो साइज के आधार पर आप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं फिर वापिस डाल देता हूं, ये जो गांठ का साइज था इस मिलान पर हमने इसको पकड़ लिया, और जो बड़ी रस्सी है हमारी इधर वाली बड़ी रस्सी है, यदि इधर वाली होती तो इधर वाली निकाल लेते, इधर वाली बड़ी है तो इधर वाली, तो ये हमने बड़ी थी वो निकाल लेंगे। अब आप यहां देखोगे ये दोनों रस्सी भी आपको बराबर देखने को मिलेंगी, तो ये दोनों रस्सी भी बराबर होगी। ये निकालने के बाद क्या करना है, सेम जो पहली गांठ हमने लगाई थी वैसे ही गांठ लगानी है, जो भैंस की मोरी वाली है, आगे से रस्सी अंगूठे के ऊपर से लास्ट वाले इसमें पकड़ लेंगे, जो नीचे वाली है इसको ऊपर से ले जाते हुए अंगूठे के नीचे पकड़ लेंगे, और इधर जो ये रस्सी बच गई ये इस अंगूठे के रास्ते बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपकी जो गांठ है वो तैयार है। तो ये फिर एक जो है सीधी गांठ, इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा जो है नहीं करना, तो ये आपकी एक गांठ जो है तैयार हो गई है। तो लगभग जो है आपका तैयार हो गया, केवल एक गांठ इसमें और लगनी जो है बकाया है। तो आप यहां देख सकते हैं इसके लिए क्या करेंगे, ये जो रस्सी है पहले वाली जो नाक के साइड में आएगी, तो इसमें इसको निकाल लेना है सेम ऐसे ही, और इसका नाप क्या होगा, जो इधर से ये नाप है ये नाप आप रख लेंगे। तो इतना इसमें हमने निकाल लिया, सेम वही जो दूसरी गांठ लगाई थी वही तरीका यहां होगा। जैसे इसमें इस तरफ है तो इसको इसी तरफ से इस रस्सी को नीचे से लेके जाएंगे और इसके ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। तो हमने ये बाहर निकाल लिया, तो ये गांठ आप फिर देख पाएंगे जैसे दूसरी गांठ थी हमारी, कि इसमें दो साइड तो दो दो हो गई, एक साइड फिर एक है। तो सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हम डबल करेंगे, कैसे करेंगे, अंदर वाली जो रस्सी है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर वाली जो रस्सी हमने बाहर निकाल ली बिल्कुल नीचे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें इस रस्सी को इसके ऊपर से और अंदर की तरफ से ही ऐसे निकाल लेंगे। तो इससे क्या हो गया, जो आपकी सिंगल रस्सी थी वो डबल हो गई, ये डबल हो गई। अब वापिस यहां हमने उंगली रखनी जब तक ये गांठ कंप्लीट ना हो जाए, तो जहां उंगली है यानी कि जहां से हम इसको निकाला था वहीं से वापिस फिर निकाल देंगे बाहर। तो आप यहां देख पाएंगे तो आपकी लास्ट जिसको हम बोल सकते हैं आखिरी जो गांठ है आपकी वो कंप्लीट है। तो इसका थोड़ा धीरे धीरे जो है टाइट कर लेंगे, जो रस्सी जहां से टाइट होनी है वहीं से उसको आप टाइट कर लेंगे। कोई हो सकता है जल्दबाजी में इसमें उलझट भी हो जाए, लेकिन आप इसको ठीक करेंगे तो किसी भी रस्सी में आपको उलझट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहां देख पाएंगे सभी दो दो रस्सी हो गई है, पीछे से वो ही थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ये चुभने वाली नहीं है, प्लेन जो है वो होने वाली है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये जो मोहरा है आपको वो बनकर तैयार हो जाता है। अब बात करें कि इसको पहनाया कैसे जाता है, तो जैसे ऊंट का मुंह जो हो ये है, तो ऊंट के ऊपर से सिर के ऊपर ऐसे रखेंगे और ये मुंह में ऐसे डाल देंगे, तो ये ऊंट के मुंह में डल गया, ये उसके सिर से पीछे आ जाएगा और नीचे इसको ऐसे बांध देंगे। तो आजकल ऊंट बहुत जो हो कम हो गए हैं, नहीं तो मैं इसको बाई प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता कि ऊंट को कैसे पहनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहां बांध कर जो है उसको तैयार कर देते हैं। प्रकार से आप देखते हैं तो ये ऊंट की मोरी जो हो तैयार हो जाती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने ऊंट का जो मोरा बनाना है वो सीख लिया होगा। और यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, स्टॉप करके जो है आप अपने हाथों से बनाते हैं तो साथ ही साथ जो है गौर कर सकते हैं। तो हो सकता है आप एक मोहरी बनाना सीख जाएंगे। और यदि आपने आज की वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।